Hey, hello everybody, welcome back with a new video. मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी. गाइस, आज हम बात करने वाले हैं axim.com के लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में. axim क्या है ब्रीफली आपको समझा देता हूँ. फॉरेक्स का ब्रोकर है, अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी रखता है. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया axim के साथ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, लॉयल्टी प्रोग्राम axim का एक ऐसा पॉइंट है जिसकी तरफ न चाहते हुए भी ध्यान चला ही जाता है. क्यों? क्योंकि यार बोनसेस एक अलग चीज होती है, लॉयल्टी पॉइंट्स एक अलग चीज होती है. दोनों के दोनों सर्विसेज आपको axim प्रोवाइड करता है. टाइम टू टाइम अलग अलग सर्विसेज आपको देता ही रहता है. अगर आप अदर ब्रोकर्स की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आपको बोनसेस जरूर मिल जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स का जो सिस्टम है ये आपको शायद बाकी सारे ब्रोकर्स में नहीं देखने को मिलता है. इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से. वीडियो के लास्ट में एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी होने वाली है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के साथ, वो भी आपको देखना मस्ट है क्योंकि आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें. अगर कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग दिस वीडियो और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स, axim के लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए आपको बेसिकली दो अकाउंट की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड या माइक्रो. यहाँ पे अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड या माइक्रो है तो आपको axim पॉइंट्स मिलते हैं आपके हर एक लॉट साइज के हिसाब से, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने चार कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है. तो अगर आप 0 से 29 डेज तक ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप बिल्कुल इनिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट किए अभी अभी बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपका जो अकाउंट होगा वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव लेवल पे हर एक स्टैंडर्ड लॉट साइज पे आपको 7 axim पॉइंट्स मिलेंगे. देखिए 7 axim पॉइंट्स को आप कैसे रिडीम कर सकते हैं और इसका क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जो सारी चीजें हैं उनको समझ लेते हैं. तो अगर आप 30 डेज से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, यानी आपको ट्रेडिंग करते हुए 30 दिन हो गए या 30 दिन से ज्यादा दिन हो गए, 30 to 59 days, तो आपको जो है आपका जो बैच है वो गोल्ड पे अपग्रेड हो जाता है. उसके क्या बेनिफिट्स हैं? आपको हर एक स्टैंडर्ड लॉट साइज पे 10 axim पॉइंट्स मिलते हैं. मतलब ऐसा समझ सकते हो आप, प्रमोशन हो गया आपका अकाउंट का. ठीक है, अगर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो 60 से 99 दिन का हो जाता है, मतलब उसको पुराना हो जाता है, 60 डेज से 99 डेज हो जाते हैं ट्रेडिंग करते हुए, आपको आपके एक स्टैंडर्ड लॉट साइज पे दैट टाइम आपको मिलेंगे 13 axim पॉइंट्स. ठीक है, और आपका जो अकाउंट है उसका बैच हो जाएगा डायमंड, यानी अपग्रेड हो जाएगा. तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेनिफिशियल है. उसके बाद इनका जो लास्ट प्रोग्राम है, यानी लास्ट जो टर्म है वो है एलाइट. एलाइट कैसे मिलता है? अगर आप 100 डेज क्रॉस कर देते हो ट्रेडिंग करते करते या उससे ज्यादा, तो आपका जो बैच है वो एलाइट हो जाता है, यानी कि इनका जो मैक्सिमम बैच है वो एलाइट है. यहां पर आपको एक स्टैंडर्ड लॉट साइज में मिल जाते हैं 16 axim पॉइंट्स. अब आपको बताता हूं इन axim पॉइंट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं. देखिए, axim पॉइंट्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ बोनस क्रेडिट हो जाता है. ठीक है, और वो आपको दिखेगा आपके मेंबर्स एरिया में. अगर आप अपने लाइव अकाउंट में जाएंगे वहां पे मेंबर्स एरिया में आप देख सकते हैं आपके बोनस को और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं. मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो एलाइट लेवल पे, एलाइट बैच आपके पास है, आपको 16 पॉइंट पर लॉट के हिसाब से axim लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं. तो 16 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो टोटल कितना हो जाता है 5.33, यानी कि जितना भी आपके पास axim पॉइंट्स होगा उसे आपको 3 से डिवाइड करना है. 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आपके पास आता है उसके आगे यूएसडी लगा दो, वो आपका जो बोनस है कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में एड हो जाता है. तो जैसे कि 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5.33 यूएसडी एक ट्रेडेबल बोनस आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है. तो अगर मैं स्टार्टिंग से ये प्रोसेस बताता हूं, अगर आप एक क्लाइंट हैं, आप ट्रेड लेते हैं axim के साथ और आपने 1000 axim पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं, तो 1000 axim पॉइंट को अगर आप बोनस में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है 333.33 यूएसडी, जो कि आप डायरेक्टली विड्रॉ नहीं ले सकते, लेकिन ये एक ट्रेडेबल बोनस रहता है जिसे आप ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, मतलब यहां से ट्रेड करो, जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो इस पर्टिकुलर अमाउंट से उसका आप विड्रॉ ले सकते हो. कोई भी हिडन कंडीशंस नहीं है, सारी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है axim.com के साथ. अब यहां पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया इसको आप किसी भी टाइम रिडीम कर सकते हो. जैसे कि थोड़ा सा और बताता हूं, अगर सपोज कीजिए आपका एक axim अकाउंट है, आपने वहां पर ट्रेड ले रहे हो और आपका जो अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया है वो आप लॉस कर देते हो किसी भी रीजन की वजह से, आपके पास बचता है सिर्फ बोनस,
बोनस भी नहीं, मैं मानता हूं कि आपके पास लॉयल्टी पॉइंट्स बचते हैं, उन लॉयल्टी पॉइंट्स को आप कभी भी कन्वर्ट करो बोनस के अंदर और उस बोनस को यूज करो उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिकवर करने के लिए। दूसरा, आप इन एक्सएम पॉइंट्स को कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। तो आपके एक्सएम अकाउंट में काफी ज्यादा डॉलर्स है, काफी बड़ा अकाउंट है आपका, आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया है, आपने लॉस किया ही नहीं है, आपके पास काफी एक्सएम पॉइंट्स कलेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको उसको रिडीम करना है और डायरेक्टली विड्रॉ आप उसको ले नहीं सकते, तो इसके लिए आप अपने अकाउंट में एक और अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा अकाउंट क्रिएट किया, वहां पे आप उन एक्सएम पॉइंट को डायरेक्टली रिडीम कर लो। तो सपोज कीजिए आपके पास 1000 एक्सएम पॉइंट्स हैं, तो दूसरे अकाउंट में आपको बिना डिपॉजिट के $333 मिल जाएंगे ट्रेड लेने के लिए। समझ रहे हो आप मेरा जो कहने का मतलब है, वो सिंपल से इतना ही है कि बिना डिपॉजिट किए आप $333 तक की ट्रेड ले सकते हो, उनसे जो प्रॉफिट आएगा उसका विड्रॉ ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि एक्सएम का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद एक व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो में चलाने वाला हूं, कोई डाउट रहते हैं तो आप वहां से समझ सकते हैं, इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, लाइक कमेंट एंड शेयर आपने कर दिया होगा, और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए सबसे पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाएं। स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।